हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूँ अरुण और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा डीलिप को कैसे इंस्टॉल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि आपका डीलिप इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैं अपना डीलिप अभी अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, पिप अनइंस्टॉल डीलिप, डीलिप को मैं अभी अनइंस्टॉल कर रहा हूँ और ये अनइंस्टॉल हो रहा है। यस, ये देखिए सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो गया। 19.8.1 था मेरा डीलिप का वर्जन। तो फिर आइए मैं दिखाता हूँ कैसे, अगर मैं यहाँ पर फिर से इंस्टॉल करने की कोशिश करूँ, पिप इंस्टॉल डीलिप, अभी देखिएगा कौन सा वर्जन इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे पहले ही दे देगा कौन सा वर्जन है, डीलिप 19.19.0। और ये एक जिप फाइल दे रहा है और इसको भी डाउनलोड कर रहा है। देखते हैं, अभी देखिए सेटअप डॉट पाई, इसको इंस्टॉल नहीं, इसको इंस्टॉल नहीं कर पाया क्योंकि आपके पास अभी वो रिक्वायर्ड टूल नहीं है जिससे आप इसको इंस्टॉल कर पाए, इसीलिए वो एरर दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि या तो आप ये कीजिए या तो कुछ और कीजिए। अभी देखिए सारा गया, ये फुल कमांड आउटपुट देने लगा एरर। तो फिर इसका एरर जो थ्रो कर रहा है उसको सॉल्व कैसे करें, तो फिर पहले तो मैं आपको वहीं ले जाना चाहूँगा जहाँ मैं हर वीडियो में ले जाता हूँ, यूट्यूब। तो आप जाइएगा और सर्च करिए इट्स अरुण स्टार्क, इट्स अरुण स्टार्क, अरे सत्यानाश, इट्स अरुण स्टार्क। ये देख लीजिए पहला ही लिंक है और यहाँ पे आप आएंगे, ये देखिए ये ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, रिव्यू सेटिंग गॉट इट। यहाँ पे आप ये मत कीजिएगा, ये ऐसा लाल कलर का बटन होगा, इसको क्लिक कर दीजिए और ये ऑल, बस इतना ही कर दीजिए, आपको ज़्यादा ज़्यादा यही करना है। तो फिर चलिए आपको मैं बताता हूँ कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले तो आप जाइए न्यू टैब में, मैं खोल दिया हूँ। तो फिर आप एक लिंक पे जाइए जिस पे मैं कह रहा हूँ, आप पहले पाई 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 जाइए, पाई पाई पाइथन पैकेज इंडेक्स, और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पे अब हम लोग एक नया प्रोजेक्ट सर्च करते हैं, डेलिप को सर्च कर रहे हैं। और ये देखिए ये 19.9 रिलीज हिस्ट्री में हम लोग को जाना पड़ेगा। आते हैं इस पर, रिलीज हिस्ट्री, ये देखिए 19. आप जिसकी व्हील फाइल में जाए, आपको आपको डॉट जीजेड फॉर्मेट नहीं लेना है, इसे डाउनलोड फाइल में आए तो फिर देखिए ये डॉट जीजेड फॉर्मेट है, तो फिर शायद ये इंस्टॉल ना हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बैक आऊँगा और यहाँ ऊपर आए, कॉपी किया, अभी देखिए इंस्टॉल नहीं होने वाला मुझे लग रहा है। तो फिर अपना ये मैं प्रोग्राम नोट क्लियर कर दिया, पेस्ट कर दिया और इंटर कर दिया। देखते हैं, देखिए ये इंस्टॉल नहीं हुआ, इसके ये वर्जन इंस्टॉल नहीं हो रहा है। ये बहुत कुछ मांगी गई है, C++ में जाके आपको वो सेटिंग करनी होगी ढेर सारी, तो फिर इसमें बहुत ही झमेला बना पड़ा है, इसको इससे इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो फिर आपको मैं दूसरा लिंक दे रहा हूँ, आप उससे जाके इंस्टॉल कर लीजिए आराम से। लिखिएगा पाई पाई डॉट ओ आर जी स्लैश सिंपल स्लैश डीलिप स्लैश, अभी देखिए ये सारे लिंक आ गए। अब यहाँ पे आप देखिए, अब आपका पाइथन जो वर्जन होगा यहाँ पे लिखा हुआ है 35 35 30 27 34 34 35 35 35 35 36, और मेरा पाइथन वर्जन 3.6 है। तो फिर मुझे इन्हीं दोनों में से कोई
आई मीन इन्हीं में से कोई इंस्टॉल करना, तो फिर मैं लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करूँगा। तो फिर ये 64 बिट का है, आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर लीजिएगा। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। ये देखिए आपका ऑफिस इसकी वील फाइल मिल गई। अब इसको इसका सेटअप करना पड़ेगा। अब इसको ओपन कैंसिल, इसको आप ओपन कीजिए फोल्डर में, शो इन फोल्डर। अब देखिए फुल स्क्रीन, शिफ्ट दबा के जो हम लोग करते हैं यहाँ पे कमांड विंडो खोलेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा ये छोटा दिख रहा है, तो फिर मैं थोड़ी सी इसकी फॉन्ट चेंज कर देता हूँ 18 हो गया। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या, पिप इंस्टॉल डी, और टैब दबा दीजिए। ये देखिए डीलिब अपने आप ये कंप्लीट कर देता है। ये विंडोज़ में अच्छा सा फंक्शन है कि टैब दबाती है आपका कंप्लीट कर देता है, और इंटर कर दीजिए, बस आपका काम ख़त्म। इंस्टॉल, ओ गलत लिख दिया, सॉरी। पिप इंस्टॉल डी, ओ गलत कर दिया मैंने, फिर से कर रहा है, फिर से डाउनलोड करने लगेगा। सी डी, मैं डाउनलोड्स में गया हूँ, तो फिर डाउनलोड्स में जाऊँगा। मैं डाउनलोड्स में आ गया हूँ, और यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल डी लिप, टैब दबा देंगे, आपका जो इंस्टॉल हुआ अपने आप ऐसे लिख के आ जाएगा, और एंटर कर दीजिए, बस अभी ये बाकी का काम खुद कर लेगा। ये देख लीजिए सक्सेसफुली इंस्टॉल डीलिब। अगर आपका पाइथन 3.6 है तब तो आँख बंद करके इंस्टॉल कर लीजिए, आपका आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। पाइथन 3.7 या 3.8 में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो फिर मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि आप 3.5 3.6 ही यूज़ कीजिए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से बेस्ट वर्जन है, जिससे आप डीलिब, फेस रिकॉग्निशन और पाई ऑडियो जैसी चीज़ें आराम से इंस्टॉल कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं फिर से कहूँगा कि आप वहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सी वीडियोस उस पर अपलोडेड हैं। अगर आप जाएंगे तो फिर मैं दिखा देता हूँ youtube.com पे, youtube.com पे मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे इट्स अरुण स्टार, और यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर ये देखिए अच्छा सा वॉलपेपर भी दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ पे वीडियोस सेक्शन में जाइए, और अब देखिए बहुत से वीडियोस हैं, ये देख लीजिए इतनी वीडियोस हैं कि आपके पास बहुत नॉलेज आ जाएगी। काफ़ी काफ़ी वीडियोस बना रखी है मैंने, तो फिर आप जाइए सब्सक्राइब कीजिए, मज़े कीजिए वीडियो देखकर, और लाइक तो कर ही दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ ये वाला, थैंक्स फॉर वॉचिंग।